बर्तनों की आवाज़ देर रात तक रसोई से आ रही थी। रसोई में नल चल रहा था, क्यों? क्योंकि रसोई में माँ थी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाके सो चुकी थीं। माँ रसोई में ही थी। माँ का काम थोड़ा सा बकाया रह गया था शायद, लेकिन काम तो सभी का था ना। पर माँ, माँ सबका काम अपना ही मानती है। दूध गर्म करके ठंडा करना और उसमें जावन देना ताकि सुबह सुबह बेटे को ताज़ा दही मिल सके। सिंक में रखे बर्तन माँ को कचोटते हैं, चाहे तारीख बदल जाए लेकिन सिंक हमेशा साफ ही रहना चाहिए। बर्तनों की आवाज़ से तीनों बहू बेटों की नींद खराब हो रही है। बड़ी बहू बड़े बेटे से कहती है, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? ना वो खुद सोती है और ना हमें सोने देती है। और मझली बहू अपने पति से कहती है, देखो अब सुबह 4 बजे फिर से तुम्हारी माँ खटखट करेगी, तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या? और सबसे छोटी बहू की तो बात ही कुछ और है। वो अपने पति से कहती है, अरे प्लीज़ जाके अपनी माँ के इस ढोंग को ख़त्म करो ना, क्यों इतनी रात को टक टक करवा रहे हो? सिंक को रात में साफ रखना चाहिए। माँ, माँ तब तक अपने बर्तन माँज चुकी थी। झुकी हुई कमर, कठोर हथेलियाँ, लटकी हुई त्वचा और जोड़ों में दर्द, आँखों में पका हुआ मोतियाबिंद और माथे से टपकता हुआ पसीना, पैरों में उम्र की लड़खड़ाहट। लेकिन माँ उस दूध के गर्म पतीले को आज भी अपने पल्लू से पकड़ के उठा लेती है और उसकी उंगलियाँ कभी जलती भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो माँ है। दूध ठंडा हो चुका, जामन भी लग चुका है, घड़ी की सुइयाँ थक गई हैं। अब माँ फ्रिज खोल के भिंडी निकालती है और वो उन्हें काटने लगती है। माँ को नींद भी नहीं आती शायद, पता है क्यों? क्योंकि वो माँ है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माँ के विषय पे बोलना, लिखना, पढ़ना, बताना, जताना सब कानूनन बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय निर्विवाद है और यह रिश्ता खुद ही एक कसौटी है। रात के 12 बज चुके हैं और भिंडी भी कट चुकी है। अचानक याद आया, अरे गोली तो ली ही नहीं। अब बिस्तर पे तकिया के नीचे से पोटली निकाली, मूनलाइट में रंग के हिसाब से गोली अपने मुंह में डाली और पानी पिया और गट से दवाई खा ली। और बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा, आ गई? तो माँ कहती है, हाँ मैं आ गई, आज तो घर में कोई काम ही नहीं था और कल की चिंता में फिर से लेट गई। पता नहीं माँ को नींद आती भी है या नहीं, और सुबह फिर से थकान रहित वो उठ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो माँ है। सुबह का अलार्म बाद में बजता है लेकिन माँ की नींद पहले खुल जाती है। मुझे याद नहीं कि शायद कभी उन्हें भरी सर्दी में मैंने गर्म पानी से नहाते हुए देखा। लगता है माँ को सर्दी भी नहीं लगती, पता है क्यों? क्योंकि वो माँ है। अखबार पढ़ती नहीं लेकिन वो उठाकर लाती है। चाय वो खुद नहीं पीती लेकिन हम सबको पिलाती है। और गर्म खाना वो खुद नहीं खाती, हम सबको खिलाती है। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।